हमारी वरिष्ठ संवाददाता शीला रावल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीला, ये बताएं कि बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, विजय माल्या को हिरासत में लिया गया लंदन में। कुल भारतीय एजेंसी के लिए बड़ी सफलता जरूर है। अभी विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में ले जाया जा रहा है, वहाँ उनकी पेशगी होगी और उसके बाद में उनके चार्जेस बताए जाएंगे। वैसे उनका कोई ब्रिटेन में गुनाह नहीं है, तो माना जाता है कि ऐसी परिस्थिति में शायद उन्हें बेल मिल सकती है, लेकिन अगर भारतीय एजेंसी का दबाव ज्यादा रहेगा। जी शीला, मैं आपको रोकना चाहूंगी, शीला रोकना चाहूंगी आपको, आपकी आवाज साफ नहीं है, फिर से एक बार आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, कारोबारी विजय माल्या को हिरासत में लिया गया है लंदन में। स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत के आग्रह पर विजय माल्या को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर देश छोड़कर भागने का आरोप है और लंदन में उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब भारत सरकार ये कोशिश करेगी कि इनको भारत लाया जाए, एक्स्ट्राडिशन पूरा किया जाए और इन पर भारत में मामला चले। लंदन में पकड़े गए विजय माल्या और मेरे सहयोगी अभिसार इस वक्त न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिसार, बताएं क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शीला। शीला, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा और किस ट्रीटी के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया? ट्रीटी के अंतर्गत तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय एजेंसी और भारत सरकार कभी से ट्राई कर रही है जब से विजय माल्या वहाँ पर गए हैं और आज उनको हिरासत में लिया, उनको मैजिस्ट्रेट के सामने, वेस्टमिंस्टर की मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद में प्रोसीजरल जो बातचीत होती है उसमें उनके वकील का ऐसा मानना है कि शायद उनको बेल मिल भी सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने विजय माल्या के केस में खास इंटरेस्ट लिया है, दबाव बहुत भारी है भारत सरकार की ओर से, तो हो सकता है कि एक्सट्रेडिशन के रूट से ना जाकर उनको डिपोर्ट किया जाए। नहीं, मगर इसका मतलब ये है कि अगर बेल मिल जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उस वक्त ना एक्सट्रेडिशन हो सकता है ना अगर मिल जाती है तो जाहिर है कि उनका तो मानना है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ उनको बेल मिल जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जब जितने भी इसके पहले भारत और ब्रिटेन के बीच में मामले हुए हैं, जैसे नदीम का मामला हो गया या जितने भी मामले हुए हैं, ब्रिटेन की कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद में भारत को सबूत दिए जाने पड़ते हैं एजेंसी को। आपने नदीम का बहुत दिलचस्प मामले का जिक्र किया, स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लिए एक बार तजुर्बा बहुत सही नहीं रहा है लंदन को लेकर, ब्रिटेन को लेकर, और वही डर उससे कहीं ना कहीं विजय माल्या को लेकर सता रहा होगा। बिल्कुल, ये चीज़ तो बनी हुई है कि जो ब्रिटेन में, मैं आपको रोक रहा हूँ, ज्यादा जानकारी आ रही है, सीधे हम रुक करते हैं आमांद्रा का। जी अभिसार, बड़ी खबर आपने दर्शकों को हम दे दें कि अभी इसी वक्त विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश होंगे इस वक्त विजय माल्या, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें लंदन में उन्हें हिरासत में लिया गया और इस वक्त विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कारोबारी विजय माल्या को लंदन में हिरासत में लिया गया, उन पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपया बकाया है जिसे लेकर वो लंदन भाग गए। भगोड़ा उन्हें घोषित किया गया, लंदन में उन्हें हिरासत में लिया गया है और इस वक्त उन्हें पेश किया जा रहा है वेस्टमिंस्टर कोर्ट में। आपको बता दें कौन है विजय माल्या, देश के बड़े कारोबारी हैं विजय माल्या, जाने माने कारोबारी, पूर्व राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में वो सांसद भी रहे, F1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया के मालिक भी विजय माल्या हैं, फुटबॉल क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के मालिक विजय माल्या, जाने माने कारोबारी, शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज के मालिक भी विजय माल्या हैं और शराब का बिजनेस उन्हें विरासत में मिला था, ये भी आपको बता दें, जाने माने कारोबारी हैं, शराब का बिजनेस उन्हें विरासत में मिला। एक बार फिर से रुक करेंगे मेरे सहयोगी अभिसार का, जो न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभिसार, शुक्रिया आपका अमांद्रा, और हम आपको बता दें मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकिशोर जुड़ गए हैं। राजकिशोर, और क्या अतिरिक्त जानकारी मिल रही है इस मामले? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार
के ऊपर जो जो आरोप, जिन जिन चीज़ों पर सवाल उठते रहे विपक्ष की तरफ से, उन सारी चीज़ों को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। चाहे सूट बूट सरकार का मामला हो तो उसको पॉलिटिकल तरीके से किया गया, अब विजय माल्या की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि किनके समय में वो गए, तो अब ये एक पिंडोरा बॉक्स खुला है और ये माना जा रहा है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। और एक और संजय भंडारी जो वहाँ पर चले गए हैं, इसके बाद उनकी भी और बड़ी खबर आ रही है राजकिशोर, मैं आपका फिर रुक करूंगा, उसका वापस रुक करते हैं अमांद्रा का। अमांद्रा जी, अभी सर एक और बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई की टीम लंदन जाएगी विजय माल्या से पूछताछ के लिए। राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, राजन बताएं। देखिए अमांद्रा, सीबीआई के एक बड़े अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इंटरपोल के माध्यम से सीबीआई को इस बात की जानकारी दी है कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो भारत का था उसी के आधार पर विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है और अब जो प्रत्यर्पण की आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी और यही वजह कि उन्हें वहां वेस्टमिंस्टर की अदालत में पेश किया जाएगा और जो तमाम चार्जेस जो इंटरपोल के माध्यम से भारत से लगाए थे वो चार्जेस वहां पर बताए जाएंगे। साथ ही सीबीआई के अधिकारी का ये भी कहना है कि एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए और स्कॉटलैंड यार्ड को इस मामले में असिस्ट करने के लिए सीबीआई के बड़े अधिकारियों की एक टीम जल्द ही लंदन रवाना की जाएगी जो कि वहां पर जो लॉ फर्म है उसके माध्यम से एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अमांद्रा जी, राजन, तो सीबीआई की टीम लंदन जाएगी, माल्या को लेकर आएगी भारत इस उद्देश्य के साथ और साथ ही साथ स्कॉटलैंड यार्ड को असिस्ट भी करेगी। आपको बता दें विजय माल्या को लंदन में हिरासत में लिया गया है, फिलहाल उन्हें वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और बड़ी खबर ये कि सीबीआई की एक टीम लंदन जाएगी। 9,000 करोड़ लेकर भागने वाला माल्या गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है लंदन में। 9,000 करोड़ रुपए बैंकों का उन पर बकाया था, उन्हें बकायदा भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित किया गया था। बड़ा नाक का सवाल यह बन गया था भारत सरकार के लिए और ये बड़ी सफलता भारत सरकार को मिली है, भारत के आग्रह पर ही उन्हें लंदन में हिरासत में लिया गया। एक बार फिर से रुक करते हैं अभिसार का, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। अभिसार, पूरा मामला एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल अमांद्रा, लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी राजकिशोर बने हुए। राजकिशोर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि इन्हें किस वारंट के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं विस्तार, पिछले हफ्ते यहाँ पर रक्षा मंत्री जो थे इंग्लैंड के यहाँ पर आए हुए थे, उस समय उनकी अरुण जेटली जो कि यहाँ पर वित्त मंत्री भी हैं और रक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाल रहे हैं। लगातार भारत का विदेश मंत्रालय और पूरी सरकार इस बारे में दबाव बना रही थी, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ से रक्षा सौदों और तमाम चीज़ों को लेकर जो है इंग्लैंड की निर्भरता भारत पर है, भारत के साथ वो रिश्ते चाहता है कि उस तरीके से बने, तो ये एक मौका था, इसी आधार पर उन पर दबाव भी बनाया गया और जिसका ये परिणाम मिल रहा है धीरे धीरे। और ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय पे जो और लोग भी यहाँ से भाग के गए हैं, एक और नाम है संजय भंडारी, वो भी यूके गए हुए हैं, इसके बाद उनका भी नंबर आ सकता है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। ये बताइए कि इसकी नींव कहा जाए, पिछले हफ्ते जब जैक फैलन आए थे जो कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं, उसी वक्त पढ़नी शुरू हो गई थी इस गिरफ्तारी की, क्या ये माना जाए? मैं आपको दो तीन स्पष्टता कर दूं, इसमें प्रोसीजर के तहत ही कोई काम हो सकता है, तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि वो उनके आने के बाद में जो प्रक्रिया बहुत ठंडे बस्से में पड़ी थी लंदन में, वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उनको अभी जो अरेस्ट बता रहे हैं वो अरेस्ट बता है। प्रोसीजर के तहत अगर ये एक्सट्रेडिशन का मामला बनता है और जब एक्सट्रेडिशन का मामला बनता है तो आपको पहले मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद में आपको अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है और सीबीआई को विजय माल्या के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो लंदन की अदालत में पेश करने पड़ेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आज उनकी जो अरेस्ट है, हो सकता है उसमें उनको बेल मिल भी सकती है, लेकिन इसको एक्सट्रेडिशन का मामला जो कहते हैं वो आज से शुरू हो गया, अब ट्रायल हो सकती है विजय माल्या। मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि एक्सट्रेडिशन वारंट के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रियल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, मगर भारत के लिए चुनौती और एक इतिहास भी है, नदीम का एक इतिहास है, भारत अब तक उन्हें भारत नहीं ला पाया है और वो कहीं ना कहीं सीबीआई के जहन में वो एक आशंका होगी। निश्चित तौर पर आप ये जो बात कर रहे हैं, अगर औरों से अलग दिखना है तो कैसे अलग दिखना है, ये कोशिश इस सरकार की होगी और लगातार यही एक मुद्दा था कि विजय माल्या किनके समय में भागा, किस समय उन्होंने बैंकों से लोन लिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा विपक्ष ने ये बनाया कि किनके समय में भागा और इसके बाद ही सूट बूट की सरकार और तमाम जुमले वहाँ पर, तमाम आरोप मोदी
सरकार पर चस्पा हुए। अब ऐसी स्थिति में अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये कमजोर पड़ते नजर आते। जो बात अभी शीला जी ने कही बिल्कुल ठीक कही कि किसी भी प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजें होंगी, तो प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी लेकिन आपको दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा यू शो द मैन वी शो द रूल जो हम लोग कहते हैं, तो व्यक्ति के हिसाब से जो नियम दिखाए जाते हैं, तो दबाव बनाने की कोशिश मुझे लगता है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया ही जाएगा। बिल्कुल अमांद्रा, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर विजय माल्या वाकई भारत आ पाते हैं तो अपने आप में वो जो पूरे एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी वो मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी सियासी उपलब्धि होगी। बहुत ही बड़ी सियासी उपलब्धि होगी, क्योंकि अब तक ये कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के मामले में, काले धन को लाने के मामले में जो सख्ताई बरतनी चाहिए सरकार को, जो 2014 के चुनाव में भी ये बताया जाता था बार बार, वो अभी तक हो नहीं पाया है। 3 साल होने आए हैं, तो अभी शुरुआत हुई है। एक दबाव बनाया गया ताकि अभी तक उनके नाम का वारंट नहीं निकला था एक्सटेडिशन की, हमने बार बार उनको मिन्नतें की थी, लेकिन वो प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। आज उनको वारंट एक्सटेडिशन के तहत पकड़ा गया है, अभी वेस्ट मिनिस्टर की कोर्ट में उनको हाजिर किया गया है, और उनके वकील की बहस के बाद में हो सकता है शायद उन्हें बेल मिले, लेकिन मगर बेल मिले तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए ट्रायल शुरू होगी। और अगर भारत के पास पुख्ता सबूत है माल्या के खिलाफ कि वो पैसे लेकर भाग गए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि भारत को सफलता मिले। तो लगातार एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। वापस हम रुख करना चाहेंगे अमांद्रा का। बिल्कुल अभिसार, बड़ी खबर इस वक्त की, 9000 करोड़ लेकर भागा विजय माल्या गिरफ्तार। लंदन में हुई है गिरफ्तारी और सीबीआई की टीम जल्द लंदन जाएगी विजय माल्या को भारत लाने के लिए। 9000 करोड़ लेकर भागा विजय माल्या लंदन में हुआ है गिरफ्तार। स्कॉटलैंड यार्ड ने इन्हें लंदन में गिरफ्तार किया है, फिलहाल वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बड़ी सफलता भारत सरकार के लिए, विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार। आपको बता दें क्या है ये पूरा मामला। बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए विजय माल्या पर बकाया था, बैंकों से लिया गया लोन ना लौटाने का इन पर आरोप है। किंगफिशर एयरलाइंस के लिए इन्होंने ये लोन लिया था। 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर जा चुके हैं, यानी 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है भारत छोड़े हुए। प्रवर्तन निदेशालय को लोन डिफॉल्ट मामले में इनकी तलाश थी। मुंबई के कोर्ट भगोड़ा अपराधी घोषित कर चुकी है, तो भगोड़ा विजय माल्या घोषित हो चुके थे और अब लंदन में गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, वेस्टमिंस्टर की एक अदालत में इन्हें पेश किया जा रहा है। सीबीआई की टीम जल्द भारत से लंदन जाएगी विजय माल्या को लाने के लिए। 9000 करोड़ बैंकों का इन पर बकाया था जो लेकर ये भाग गए थे, लंदन में बीते 1 साल से ज्यादा से रह रहे थे और अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं भारत के आग्रह पर विजय माल्या। आपको बता दें विजय माल्या है कौन, देश के बड़े कारोबारी है, जाने माने कारोबारी विजय माल्या, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं विजय माल्या। F1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया के मालिक भी थे, तो कई बड़े बड़े बिजनेसेस इनके, फुटबॉल क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के मालिक भी, साथ ही साथ शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रूरीज के मालिक भी हैं विजय माल्या। शराब का बिजनेस विजय माल्या को विरासत में मिला था, जाने माने कारोबारी, कई बड़े बड़े बिजनेस इनके, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 9000 करोड़ रुपए बैंकों का बकाया जिसे लेकर ये भाग गए थे। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आशीष, क्या माना जाए कितनी जल्दी विजय माल्या को भारत लाया जा सकता है? देखिए, हमें जो सरकार के उच्च सूत्रों जानकारी है उसके मुताबिक आमंत्रा कम से कम इतना तो तय है कि इस मामले में ब्रिटेन में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत तेजी के साथ इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा और एक्सट्रेडिशन बहुत जल्दी हो सकती है। जो भारत सरकार के उच्च सूत्रों से हमें संकेत मिल रहा है उसके मुताबिक अगर कोर्ट ने बेल नहीं दिया, कोर्ट ने फेवरेबल पोजिशन लिया भारत सरकार के निवेदन पर, तो ऐसा भी संभव है कि 2 महीने के भीतर भीतर विजय माल्या वापस भारत आ जाए और ये प्रक्रिया एक्सट्रेडिशन की, जिसको बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस कहा जाता है, इस मामले में बहुत तेजी के साथ और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। यूके की सरकार की तरफ से कोई विलंब नहीं किया जाएगा, ये भरोसा भारत सरकार को दिलाया गया है। और मैं फिर से दोहरा दूं, जैसा मैंने आपको कहा कि कोर्ट की तरफ से अगर उसे बेल ग्रांट नहीं की जाती है और भारत के व्यू को फैक्टर इन किया जाता है, तो संभव है कि अगले 60 दिनों में भी विजय माल्या को एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस के तहत जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। जी, तो 2 महीने में ये एक्सट्रेडिशन हो सकता है अगर सब कुछ सही रूप से चला तो, अगर बेल नहीं दी जाए कोर्ट की तरफ से विजय माल्या को। यूके की तरफ से ये संकेत भारत को दिए गए हैं कि यूके इसमें
पूरा सहयोग करेगा भारत के साथ। और जो दर्शक अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम ये बड़ी खबर एक बार फिर से दे दें, विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। 9,000 करोड़ लेकर भागे हुए थे विजय माल्या लंदन, और लंदन से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की टीम बहुत जल्द लंदन जाने वाली है विजय माल्या को भारत लाने के लिए। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, और क्या नई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के पास जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है लंदन प्रशासन से, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विजय माल्या हैज बीन अरेस्टेड ऑन एक्सट्राडिशन वारंट, यानी कि जो एक्सट्राडिशन प्रत्यार्पण वारंट जो उनके खिलाफ जारी हुआ था भारत सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ईडी कोर्ट का भी एक वारंट उनके खिलाफ है, जिसमें पीओ डिक्लेयर किया गया है, यानी कि प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर विजय माल्या को घोषित किया गया है। और जो कम्युनिकेशन भारत सरकार को मिला है उसमें साफ तौर पर लंदन अथॉरिटीज ने कहा है कि विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि भारत सरकार ने उनके खिलाफ एक्सट्राडिशन वारंट जारी किया था, उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स वहां चल रही थी, और जो तमाम तथ्य मिले जो भारत सरकार की तरफ से आए हैं उनमें प्रिमा फैसाई ऐसा लगता है कि आदमी की इस शख्स की गिल्टी हो सकती है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि अब अगला कदम जो होगा विजय माल्या की रिहाई का या विजय माल्या की जमानत का या विजय माल्या को भारत लाने का, वो पूरी तरह से लंदन की कोर्ट पर डिपेंड होगा कि लंदन की कोर्ट विजय माल्या के बारे में क्या डिसीजन लेती है। आमंत्रा जी ओम प्रकाश, तो लंदन की कोर्ट पे निर्भर करता है क्या निर्णय लिया जाता है लंदन की कोर्ट में। और आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी रकम है जो विजय माल्या पर बकाया थी बैंकों की, कितने जीरो हैं। इतनी बड़ी रकम आपने कभी सोची भी नहीं होगी, 10 जीरो, 9 और उसके बाद 10 जीरो, जिसको जोड़ करके बनती है 9,000 करोड़ की रकम। इतनी बड़ी रकम लेकर विजय माल्या भारत से फरार हो गए थे, लंदन से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी रकम 9,000 करोड़ की जिसे लेकर विजय माल्या लंदन भाग गए थे, बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया था। कितने ज्यादा ये, कितनी लंबी ये इबारत है आप देख सकते हैं, 10 जीरो। अब एक बार फिर से रुक करते हैं हम अभिसार का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिसार, और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? अमांद्रा, खबरें जो इस तरह से आ रही हैं कि बहुत आसान भी नहीं होगा विजय माल्या को वापस लाना, और इसकी कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शीला। शीला, उनकी वकील से आप लगातार संपर्क में हैं, वो क्या बता रहे हैं और हमारे सामने किस तरह की मिसालें हैं एक्सट्रेडिशन को लेकर? फिलहाल तो उन्हें पेश किया गया है, तो एक्सट्रेडिशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत का बहुत ही दबाव है, तो हो सकता है कि सीबीआई की टीम अभी पहुंच के कल परसों में अपना केस पेश करेगी। ऐसा सुना जाता है कि इतना भारी दबाव है कि विजय माल्या शायद 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में भारत आ जाए। सामान्य प्रक्रिया की बात करता हूं। जो अभी तक की प्रक्रिया मैंने देखी है, जैसे इकबाल मिर्ची का केस है, जैसे नदीम का केस है, ये दोनों केस में भारत सरकार ने बहुत जोर लगाया था। आपको ब्रिटेन की अदालत में जाना पड़ा था, आपको सबूत देने पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोसीजरली हिंदी में होती है, तो उसको और कितना वक्त लग सकता है, कितना वक्त लग सकता है? उनके कहने के मुताबिक 2 से 3 साल जरूर निकल, 2 से 3 साल। अमांद्रा, ये बहुत अहम बात है, वाकई क्या 2 से 3 साल लग जाएंगे या भारत की तैयारी ऐसी है कि अगले एक महीने में भी वो यहां लाए जा सके? मगर आंकड़ा आपके सामने 9,000 करोड़ का भी है, ये ना भूलें हम। अमांद्रा, बिल्कुल अभिसार, कितना बड़ा ये आंकड़ा है लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 9,000 करोड़ लेकर बैंकों के भाग गए थे विजय माल्या, 9,000 करोड़, देखिए कितनी बड़ी ये रकम है। 9 के आगे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 जीरो लगे होते हैं, तब जाकर ये इतनी बड़ी रकम 9,000 करोड़ की बनती है, जिसे लेकर विजय माल्या लंदन भाग गया था। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है लंदन से, स्कॉटलैंड यार्ड ने इन्हें गिरफ्तार किया है, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी हुई, और भारत की तरफ से सीबीआई की टीम अब लंदन जा रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।